ऐसे भी नहीं बन रहा है यार, बहुत भूख लग रही है। खाना लाओ यार। यार अपना बॉस क्या आदमी है यार, हर समय पीछे पड़ा रहेगा। ये डेडलाइन, वो डेडलाइन, ये फाइल करो, वो फाइल कंप्लीट करो, हद होती है यार। मतलब एम्प्लॉयज के लिए एटमॉस्फेयर खराब कर रखा है ऑफिस का, बिल्कुल हैंडल ही नहीं करना आता एम्प्लॉयज को, हमेशा रॉब जमाता रहेगा। पिताजी के पास पैसा था, हटा दिया बॉस की कुर्सी पे। यही अगर बचपन में दो चार पढ़ी होती ना, अकल ठिकाने आ गई होती। क्या अंतर, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं अंदर ऑफिस में। ओह शिट 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 शिट। ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, सर कुड यू प्लीज कम आउट फॉर अ मिनट सर। यहीं आओ, यहीं बात कर लेंगे, ऐसा क्या है सर? प्लीज सर एक सेकंड सर, समथिंग पर्सनल। यार ये ऑफिस में भी पर्सनल काम होते हैं सर। प्लीज सर इट्स अ रिक्वेस्ट। यार एक तो तुम रिक्वेस्ट ही खत्म नहीं होती, मैं इससे परेशान हो गया हूँ। सर कल एक्चुअली मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी, उसको बीपी हाई हो गया था। तो बीपी, ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? और सर कल हॉस्पिटल से वापस आने में भी काफ़ी लेट हो गया था। अभी कुछ दिन पहले तुम कहते हो तुम्हारे ससुराल में कोई बीमार हो गया है, तुम अपनी वाइफ को छोड़ने गए हो, अब तुम उसे लेकर भी आ गए और वो भी बीमार हो गई। ये सब छोड़ो, अभी ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? सीधे सीधे पॉइंट पे आओ। सर एक्चुअली प्रेजेंटेशन तैयार नहीं हो पाई। प्रेजेंटेशन तैयार नहीं हो पाई? ये सारे तुम्हें पागल नजर आ रहे हो यहाँ पर बैठे हुए? तुम्हारा यही रवैया है जिसकी वजह से मुझे लाखों का नुकसान हो रहा है। अजीब लग रहा है।
मेरी मार पिटने पर तो नहीं लग रहा था, पापा को भी तो डिसिप्लिन ही सिखाया जा रहा था। मार खाने से मेरी चोरी कम नहीं होगी, बल्कि मुझे मार से ही डर लगेगा। वॉयलेंस इज नॉट डिसिप्लिन।